आगे बढ़ाने की बात है। इसी तरह जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो जम्मू रीजन में काम आउट हुई हैं, जैसे पाडर में हो गई, इसी तरह बाकी इलाकों में हुई, तो उनसे वो लोगों को इंसाफ मिलने का अब ज्यादा मौका मिलेगा जिन लोगों को इंसाफ जो है वो इतने सालों से नहीं मिला। तरक्की बढ़ेगी, डेवलपमेंट के काम बढ़ेंगे। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें तो पहले जम्मू महानगर में सिर्फ तीन ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इस नई डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट में जम्मू महानगर में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉर्पोरेशन में आती हैं, महानगर में आती हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के जरिए बढ़ जाते हैं, उसमें उसमें फंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे काम होंगे। और जिस तरह से जम्मू में अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे रिवर फ्रंट के ऊपर अच्छा काम हो रहा है, झील बनने का काम जो है वो उसको ख़त्म होना ही चाहिए। इसी तरह आपने रिसेंटली देखा जो म्यूजिकल फाउंटेन का काम है, सड़कें बन रही हैं, फ्लाई ओवर से बन रहे हैं, इन कामों को आगे से बढ़ोतरी मिलेगी। कुछ जगह पे लोगों को प्रॉब्लम भी आई है, भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में भी सजग है। अगर सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को ये लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि सुचेतगढ़ और आरएसपुरा को मिला के, कुछ एरियाज को मिला के कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आरएसपुरा के नाम पे रखी गई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की ओपिनियन को भी ध्यान में रखा है। इसी तरह कुछ और इलाकों में भी जो एरियाज जो हैं वो उनका जो वितरण है उसके बारे में लोगों को शिकायत है। तो जो शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के पास आई हैं, वो चाहे हमारे लीडर्स के थ्रू आई हों या जनता के थ्रू आई हों, उन सारी शिकायतों को भारतीय जनता पार्टी अपने एसोसिएट मेंबर्स जो मेंबर पार्लियामेंट हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, उनके माध्यम से रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन में देगी, ताकि लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से उनके साथ इंसाफ हो सके। एक बड़ी जीत जो है वो राष्ट्रवाद की, रजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने की। अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो लगातार बायकॉट्स भी वहां पे होते थे, और अगर बात करें तो आतंकवाद की बात, सेपरेटिज्म की बात जो है वो कश्मीर साउथ उसमें से लगातार जूझ रहा है पिछले तकरीबन 30 से 35 साल से। ये नई कॉन्स्टिट्यू